सो हे गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायनेक्स एक्साइड, डायनेक्स एक्साइड का ब्रांड है वर्सेस एमरॉन। तो दोनों बैटरी में क्या फ़र्क है वो हम देख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे डायनेक्स 32R, ये 32 एम्पीयर की बैटरी है, वही बात करेंगे एमरॉन लास्ट लॉन्ग लाइफ हाई लाइफ लो, ये आपको आएंगी 35H कैपरी की बैटरी। तो जैसे ये 35 तो बोलते हैं, पर यहाँ पे 33H कैपरी की ये बैटरी है, 36B20L, मतलब ये 33 कैपेसिटी है और ये 32। तो ये दोनों ही बैटरी पेट्रोल के काफ़ी सारी गाड़ियों में लगती है। ऐटो भी होगा तो ऐटो के लिए जनरली मैक्सिमम यूज़ की जाने वाली 32 वाली बैटरी है। नैनो में मैक्सिमम लगने वाली बैटरी जो है 32 लगाते हैं, उसमें 35H भी लगा सकते हैं, साइज़ सेम है। ये आप समझ के चलिए 35H बोल के ही लोग बेचते हैं, पर इसका एक्चुअल में कैपेसिटी 33H का आता है और ये 32H का है। ये डायनेक्स एक्साइड का ब्रांड है, पहले अलग बॉक्स में आता था रेड कलर में, अभी येलो बॉक्स में नया पैकिंग है। 18 महीने की इसकी वारंटी है, 36 महीने के साथ में आती है, 18 महीने गारंटी, 18 महीने वारंटी, इस तरीके से इसकी वारंटी है। मॉडल नंबर देख लीजिए, डायनेक्स 32R। वही एमरॉन की बात करेंगे, एमरॉन लास्ट लॉन्ग रियली लॉन्ग हाई लाइफ लो, 55 महीना में 30 महीना गारंटी है, 25 महीना वारंटी है, मतलब 30 महीना गारंटी पकड़ कर चलिए। ये 30 महीना गारंटी कुछ भी हो गया तो रिप्लेसमेंट, डायनेक्स की 18 महीने गारंटी कुछ भी हो गया तो 18 महीने में रिप्लेसमेंट है। 36B20L इसका मॉडल नंबर है। अब मारुति की काफ़ी सारी गाड़ियों में लगती है, मारुति की जैसे स्विफ्ट होगी, मारुति की अल्टो K10 होगी, तो उसमें 35 वाली लगती है, दोनों भी लगा सकते हैं। पेट्रोल वेरियंट में मैक्सिमम लगने वाली ये बैटरी है, और दोनों की बात करेंगे तो मेंटेनेंस फ्री है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेंटेनेंस करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। सो मैक्सिमम पेट्रोल की गाड़ियों में लगती है, ये आप जान के चलिए। और ये आप ऐटो जो है, ऐटो आता है उसमें 32 वाली लगती है, सो उसमें आप ये दोनों भी लगा सकते हैं, 18 मंथ वाली 35H वाली, 32H वाली, दोनों भी लगा सकते हैं। अभी बात करेंगे प्राइसिंग की। सो सबसे पहले एमरॉन में देख लेते हैं, दोनों ही न्यू और पैक बैटरी है। इसकी प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ, तो ये इसकी प्राइसिंग 4493 इसकी प्राइसिंग है, 4493 इसकी प्राइसिंग है, ये MRP है। और वही डायनेक्स में बात करेंगे, सो 3166 इसका प्राइसिंग है, मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सो 3166। अब बात करेंगे कि पुरानी बैटरी आपके पास में होंगी तो उसके भी कितने पैसे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये तो MRP है, इसकी MRP है 3200 समझ के चलिए, इसकी 4500। पुरानी बैटरी आपके पास में होंगी 32 वाली और 35 वाली होंगी, तो उसके रेट अलग अलग होते हैं। जो 35 वाली होती है वो अगर लेते हैं तो उसके जनरली 600 रुपये माइनस आप कर लीजिए, अभी किसी के 700 किसी के 800 मिलते हैं, पर वेट का फ़र्क पड़ सकता है, सो 600 पकड़ के चलिए। और 32 वाली होंगी तो 450 पकड़ के चलते हैं। सो ये जो 3200 है इसमें आप और 200 डिस्काउंट काट लीजिए, 3000, उसमें आप 32 वाली लेंगे तो 500 डिस्काउंट मिलेगा, 35 वाली लेंगे तो 600 रुपये डिस्काउंट, मतलब ये आपका जा रहा है 2400-2500 की मिलेंगी मात्र, काफ़ी कम प्राइसिंग में आती है। एमरॉन की बात करेंगे जो 4.5 की है, सो वही इसमें आप 500 माइनस करेंगे, 600 माइनस करेंगे, तो इसमें जो 4.5 की है तो उसमें 300 रुपये डिस्काउंट काट लीजिए, 4300 की हो जाएंगी, MRP पे डिस्काउंट 200 रुपये का, 4200 में हो जाएंगी, उसमें और आप 600 माइनस कर लीजिए, मतलब 3500-600 की आपको आने वाली है। इस तरीके से दोनों बैटरी अब कंपेयर करेंगे कि दोनों में से कौन सी खरीदना चाहिए आपको। अब ये तो 32 वाली है, सो मान लीजिए कि ये 35 वाली भी है, आपको आपके पेट्रोल कार के लेना है, तो आपको दोनों में से कौन सी लेना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है वारंटी पे सर्विस कैसे मिलती है। अभी एक साइड की रिप्लेसमेंट वारंटी 3 दिन की है, वही एमरॉन की भी 2 से 3 दिन बोलते हैं, पर एमरॉन का स्टाफ ये है कि शॉप पे आता है किसी डीलर के, रिप्लेसमेंट फटाफट मिल जाता है, हर एक लोकेशन के हिसाब से हर एक वारंटी होगा ऐसा मुझे लगता है। अब एमरॉन का ऐसा है कि एमरॉन के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो ओवरऑल एक ही डिस्ट्रीब्यूटर रखते हैं, और इसका डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे रिप्लेसमेंट होता है, एक्साइड का कंपनी लेवल पे होता है, कंपनी के बंदे आते हैं, टेक्नीशियन आते हैं, कंपनी से रिप्लेसमेंट बैटरी मिलता है। एमरॉन का ये डीलर के लोग आते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके लोग आएंगे, वो अपने हिसाब से आएंगे। यहाँ पे एक साइड का है वो आपको कॉल लॉक करना पड़ेगा, कंपनी के बंदे आएंगे, सिस्टमेटिक काम होता है, तो रिप्लेसमेंट में एक साइड थोड़ा सा जल्दी रिप्लेसमेंट मिलता है ऐसा मुझे लगता है। ये आज पर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से देखिए कि कैसा है, अब मुझे इतनी बातें पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। सो ऐसा रिप्लेसमेंट होता है, कंपनी के बंदे आके डायनेक्स एक्साइड एस एफ सोनिक एक्साइड के जो भी ब्रांड है उसके साथ में सेम वारंटी रिप्लेसमेंट मिलता है, इसीलिए एक कदम आगे निकलती है एक्साइड।
एमरॉन का ब्रांड भी ज़बरदस्त है, सिर्फ आप देख लीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका व्यवहार कैसा है आपके साथ में, रिप्लेसमेंट कैसे मिलता है। अगर आप उनके पास जाते हैं रिप्लेस के लिए, बैटरी में खराबी है तो आपको दे देंगे, पर अगर आप बिजी है आप नहीं जा सकते उनके लोकेशन पे, आपके लोकेशन पे आना चाहिए तो वहाँ पे आपका समय जा सकता है, क्योंकि अगर आपके लोकेशन पे कितना टाइम के बाद आते हैं वो नहीं पता। आज बैटरी ख़राब है कस्टमर की, तो आज के आज ही अगर कस्टमर कंपनी का बंदा आया आपके पास में, तो मतलब जो डीलर का बंदा आया बैटरी लेके गया तो अच्छा है, नहीं आया तो आप उसके पास में जाएंगे क्या? सो ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, एक साइड के बंदे आते ही है जो टेक्नीशियन है, और ये आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से है कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका एमरॉन के साथ में, एक्साइड के साथ में। भले तो ये डायनेक्स का है तो इसके साथ में भी आप जा सकते हैं, या एक्साइड का ही रहेगा जो लाल कलर का बैटरी होता है वही लेंगे तो भी अच्छा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हमने आपको बता दिया है, प्राइसिंग में तो डायनेक्स सस्ती आएंगी, एक्साइड जो एक्साइड है एक्चुअल में एक्साइड लिखा हुआ रहता है थोड़ी महंगी आएंगी कंपेयर करेंगे एमरॉन से, तो ये 18 महीने वाली ये तो सस्ती रहेंगी, ये थोड़ी महंगी है। सो यहाँ पे कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि कौन से बैटरी आपको खरीदना है, दोनों ही बेस्ट है। सो मैं तो रिकमेंड करूँगा दोनों के साथ में जा सकते हैं, सर्विस देख लीजिए किसकी बेहतरीन है। सो यहाँ पे अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो उसके लिए तो एक लाइक बनता है, और कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा बैटरी रिलेटेड, कोई आपको जानना होगा आपकी कौन सी गाड़ी है उसमें कौन सी बैटरी लगती है, आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, चैनल में कोई नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ से जुड़ के आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, कुछ नहीं मिलते हैं सिक्स नए वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।